वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज के लेक्चर में हम कन्फ्यूज प्रीपोजिशंस के बारे में देखेंगे। कन्फ्यूज प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? कन्फ्यूज प्रीपोजिशन दो तरह के होते हैं, एक जिनके मीनिंग एक ही जैसा होता है, जैसे यहाँ देखिए ओवर ओवर है एंड एवव है, तो इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है के ऊपर। तो कब एवव का प्रयोग करें कब ओवर का प्रयोग करें, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इनको कन्फ्यूज प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो एक तो हो गया कि जिनका हिंदी मीनिंग एक जैसा होता है, दूसरा होता है कि जो देखने में एक जैसे होते हैं, जैसे कि बिसाइड और बिसाइड्स। तो आपको अगर नहीं सही से जानकारी हो तो आप कहेंगे कि बिसाइड का प्लुरल बिसाइड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिसाइड का हिंदी मीनिंग अलग है और बिसाइड्स का मीनिंग अलग है, दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन मीनिंग में डिफरेंट है, तो इनको भी कंफ्यूज कहते हैं। तो दो तरह का वो कंफ्यूजन, एक जिन कुछ प्रीपोजिशन जिनका एक ही जैसा मीनिंग होता है और कुछ देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, इसलिए कंफ्यूज प्रीपोजिशंस पढ़ना पड़ता है। हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं जिनसे कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला अबव एंड ओवर, इसमें हम 6 पढ़ेंगे कन्फ्यूजन्स और नेक्स्ट वीडियो में हम 7 पढ़ेंगे, पूरे 13 कन्फ्यूज प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे आप। तो पहला है अबव एंड ओवर, दोनों की हिंदी देख रहे हैं आप, के ऊपर लिखा हुआ है, एवव की भी हिंदी के ऊपर और ओवर की भी हिंदी के ऊपर। अब कब करेंगे एवव का प्रयोग, कब करेंगे ओवर का प्रयोग, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, तो इसलिए कुछ डिस्टिंक्ट रूल्स हैं। रूल्स में देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, कोई जगह है जहां पर कोई वस्तु है, चाहे कोई पर्सन है, कोई थिंग है चाहे पर्सन है। तो ऊपर आकाश है, आकाश में क्रोज हैं, उड़ रहे हैं, क्रोज उड़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं जो पर्सन यहाँ पे है, थिंग है, ये जो क्रोज उड़ रहे हैं इस पर्सन या थिंग के ऊपर ही उड़ रहे हैं, इसके हाइट से ऊपर उड़ रहे हैं ये क्रोज। तो जब जब कोई वस्तु 90 डिग्री एंगल पर होगा ऊपर, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना, कोई वस्तु बिल्कुल ठीक ऊपर हो और कोई वस्तु 90 डिग्री से कम एंगल पे, अच्छा है 90 डिग्री से अधिक एंगल पे रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो जब किसी पर्सन या वस्तु से कोई वस्तु जो ऊपर है वो 90 डिग्री एंगल पे है, तो यहाँ पे कहेंगे ओवर का प्रयोग करना है। और जब 90 डिग्री से कम या अधिक एंगल पे होगा तो वहां पे हम एवव का प्रयोग करेंगे। बहुत बड़ा ट्रिक है ये। दूसरा, अब आपको याद रखना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल, तब वहां पे ओवर करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे कि एवव होता है 90 पे कि ओवर होता है। तो इसका एक ट्रिक है जो कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, देखिए VER लिखा है, ओवर में VER। आप एक जानते हैं ये जो लाइन है दिस इज वर्टिकल और यह जो लाइन है दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल का स्पेलिंग क्या होता है, VERTICLE वर्टिकल। तो VER से क्या होगा, वर्टिकल। हाँ, तो इसलिए जैसे ही 90 डिग्री होगा वहां पे VER को याद करके आप ओवर कर देंगे और बाकी में एवव करेंगे। यही है पहला नंबर रूल अबव एंड ओवर के यूज के लिए। फिर देखिए यहाँ पे देर इज अ क्रो अबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर एक क्रो है, इसका मतलब क्या है कि मुझे क्रो को देखने के लिए पर गर्दन को झुकाने पड़ेंगे, नजरों को तिरछा करना पड़ेगा, बिकॉज वर्टिकली अप नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, लेकिन देर इज द सन ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर सन है, तो इसका मतलब कि एग्जैक्ट ऊपर है, गर्दन को सीधा आपको ऊपर करना पड़ेगा और फिर दिख जाएगा सन, तो उसको बोलेंगे वहां पे अबव बोलेंगे, और जब साइड में देखना पड़ेगा तो वहां पे जब 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा तो अबव, और जब साइड में देखना पड़ेगा तो वहां पे एवव बोलेंगे। नाउ अबव का दूसरा भी यूज है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को टच करती है चाहे ढक लेती है, तब जो वस्तु टच करती है ढकती है उसके बाद लगा देते हैं हम ओवर लगा देते हैं, जैसे कि हम शर्ट पहनते हैं और शर्ट के ऊपर स्वेटर पहनते हैं ठंडी के दिनों में। हाँ, तो जो स्वेटर है ढक देती है शर्ट को, कवर करती है शर्ट को, इसे जो वस्तु कवर कर रही है उसके बाद, अच्छा है जो वस्तु कवर हो रही है उसके पहले प्रयोग करते हैं ओवर का। राम पुट्स ऑन अ स्वेटर ओवर हिज शर्ट,
राम स्वेटर पहनता है अपने शर्ट के ऊपर। यहाँ पे हिंदी भी के ऊपर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अबव नहीं आएगा, यहाँ पे ओवर आएगा, याद रखना है कि क्योंकि यह कवर या टच कर रही है। नेक्स्ट अबव और ओवर के लिए ही है। देखिए एक तो देख लिया कि वर्टिकली होगा तो वहां पे आप लगा देंगे ओवर, बाद में जो ऊपर की बात होगी साइड की तो अबव लगाएंगे, टच करने में भी ओवर लगा देंगे। लेकिन अभी अगर टेम्परेचर नापते हैं आप, टेम्परेचर अच्छा है, हाइट नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वहां पे अगर वो अबव वहां पे यूज करना पड़ेगा, के ऊपर यूज करना पड़ेगा, तो आप वहां पे करेंगे अबव का प्रयोग टेम्परेचर और हाइट को मापने के लिए। देखिए एग्जाम्पल में द टेम्परेचर नेवर रोज अबव 5 डिग्री सेल्सियस, तापमान कभी भी नहीं बढ़ा 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ पे टेम्परेचर नाप रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम जो टेम्परेचर का मेजरमेंट आ रहा है उसके पर लगा देंगे एबव, ओवर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के लिए हम लगाते हैं एबव का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हाइट होने पे भी आप यूज करेंगे एबव का। दूसरा, अगर स्पीड नापना हो और अगर आपको मेजरमेंट करने हो एज, कितना एज है, तो वहां पे हम लगाते हैं ओवर। इसे आप ध्यान रखेंगे ओवर का प्रयोग। अब सेंटेंस पर देखते हैं, फिजिक्स का देखते हैं कुछ और। यू हैव टू बी ओवर 18 टू सी दैट मूवी फिल्म। यू हैव टू बी ओवर 18, आपको 18 के ऊपर होना है टू सी द मूवी फिल्म, फिल्म देखने के लिए। तो यहाँ पे 18 क्या है, 18 क्या है, 18 इज एज, और इसके लिए के ऊपर लगाना, तो ओवर। आप याद रख सकते हैं, आप जानते हैं वर्ड्स ओवर एज का प्रयोग होता है। आप जब ट्रैफिक रूल्स पढ़ते हैं तो ओवर स्पीड का भी आप जानते हैं, तो ओवर एज ओवर स्पीड क्या दिखा रहा है कि एज के साथ ओवर का, स्पीड के साथ ओवर का प्रयोग होता है, और उस तरह से आप इसे याद भी रख सकते हैं। तो ये पहला जो कंफ्यूजन था एबव एंड ओवर के बारे में, एक कंप्लीट हो गया है। दूसरा, अबाउट एंड अराउंड, दोनों की हिंदी होती है के लगभग। अबाउट एंड अराउंड की हिंदी होती है के लगभग। जैसे टाइम है यहाँ पे 8 PM और यहाँ पे टाइम है 8 PM। इसके पहले अबाउट का प्रयोग किया गया है फर्स्ट सेंटेंस के पहले, और सेकेंड सेंटेंस के पहले अराउंड का प्रयोग किया गया है। क्या मतलब है? देखिए 8 PM लिख दिया, 8 PM के बिफोर लिख दिया, और 8 PM के आफ्टर लिख दिया, बाद लिख दिया, और जो 8 PM है यहाँ पे ऑन करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के पहले ऑन लगा देते हैं। वो आपने पढ़ लिया है प्रीपोजिशंस में, लेकिन कंफ्यूजन में ऑन ऑन की जरूरत नहीं है अभी हमें। लेकिन जब अब किसी से कहा जाए कि आप 8 बजे पहुंचना है, तो वो 8 बजे पहुंचता है तो कहते हैं कि वो 8 PM ऑन टाइम पहुंचा है, राइट? तो ऑन टाइम इन टाइम के लिए याद कराने के लिए लिख दिया है, बट डोंट माइंड दिस। हम 8 PM बीच में टाइम लिख दिए, और फिर आफ्टर और बिफोर लिख दिए। अब अगर अबाउट का प्रयोग करेंगे तो अबाउट में बिफोर और ऑन, ए 8 PM दोनों ही शामिल होगा अबाउट में। लेकिन अगर अराउंड प्रयोग करेंगे तो वहां पे बिफोर 8 PM और आफ्टर दोनों शामिल होगा, तीनों शामिल होगा अराउंड में। क्या मतलब है कि अगर बिफोर का प्रयोग कर दिया तो जो टाइम हमने मेंशन किया है उस टाइम से पहले चाहे उस टाइम तक, दो ही चीज। लेकिन अगर अराउंड मेंशन कर दिया तो जो टाइम मेंशन किया है तो उस टाइम के पहले चाहे उस टाइम के बाद चाहे उस टाइम पे, तीनों चीज। तो ये डिफरेंस है अबाउट और अराउंड में। तो आप अगर बोलते हैं कि आई बी अवेलेबल बाई 8 PM, सॉरी आई बी अवेलेबल अराउंड 8 PM, तो इसका मतलब कि 8 PM से पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, और 8 PM भी हो सकता है। अगर आप कहेंगे आई बी अवेलेबल अबाउट 8 PM, तो इसका मतलब कि 8 बजे चाहे 8 बजे से पहले आप अवेलेबल हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हिंदी इसकी जरूरत नहीं है। नाउ सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर का प्रयोग, दोनों की हिंदी होती है सेम। आपको ध्यान रखना है कि सिंस एंड फॉर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट प्रेजेंट, यहां पे ऑब्लिक दे दिया, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस।
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में हम प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर का। कहाँ कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रयोग करते हैं सिंस एंड फॉर का। ये तो टेंस का रूल है, टेंस का रूल है, लेकिन यहाँ पे उसको लगाना ही पड़ेगा। अब कब करेंगे? ऐसे टेंसेस में तो प्रयोग करते हैं फॉर का, सिंस का, सिंस का, फॉर का प्रयोग करते हैं ऐसे टेंसेस में, ठीक है, लेकिन कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर, ये भी इशू है। तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब निश्चित टाइम होगा, तो वहां पे हम करेंगे सिंस का प्रयोग। इसका तरीका क्या है? आप सेंटेंस में जो टाइम होगा वहां पे अगर कब से का आंसर मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे वो पॉइंट ऑफ टाइम है और सिंस का प्रयोग करना है। और ऐसे ही पीरियड ऑफ टाइम होगा, जिसे इनडेफिनिट टाइम कहते हैं, जहां पे होता है कितने समय से का आंसर अगर मिल जाए आपको, उसके साथ करते हैं फॉर का प्रयोग। हमने जो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके लिए अभी आज ही एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेंगे आप तो बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसी पर रहते हैं, सिंस एंड फॉर का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अ ईयर एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। तो ये हुआ सिंस एंड फॉर का प्रयोग। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस हो, थोड़ा सा और सुन लीजिए, फ्यूचर टेंस हो तो फ्यूचर टेंस में कहीं भी सिंस का प्रयोग नहीं होता है। जहां पर सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा वहां पर हम करेंगे फ्रॉम का प्रयोग, और फॉर का प्रयोग अगर करना होगा तो फॉर का प्रयोग करते रहेंगे। तो फ्यूचर टेंस में याद रखिएगा, इसके एक्स्ट्रा जानकारी है, फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंस के जब फ्रॉम का प्रयोग होता है, लेकिन फॉर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में भी होता है। तो इस तरह से सिंस और फॉर का कंफ्यूजन दूर। अब एट एंड इन है, दोनों के हिंदी में होता है, और एक प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, जब जगह की बात करेंगे, जगह समय, क्योंकि हम एट और इन का टाइम के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे अभी ही, लेकिन अभी जगह के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं एट और इन को। तो जगह के परिप्रेक्ष्य में क्या है, आप तो जानते हैं ऐसे कि छोटे जगह के पहले एट और बड़े जगह के पहले इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर किया है। अगर एड्रेस होगा, अगर गाँव का नाम होगा, अगर छोटे शहर का नाम होगा, ऐसी कुछ बातें होंगी, तो वहां पे हम लगा देंगे एट, और इन कहाँ पे लगाएंगे, बिग प्लेसेस का नाम होगा, जैसे कि कॉन्टिनेंट का नाम, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, बिग टाउन्स का नाम, तो वहां पे लगाते हैं इन। यह बहुत ही सिंपल जानकारी है इसके, एट और इन के यूज के बारे में, जो कि आप प्रीपोजिशंस पढ़ते वक्त ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी है, लेकिन इसे भी मेंशन करना जरूरी था। जैसे देखिए, दिल्ली क्या है, बड़ा सा शहर होता है, तो यहाँ पे इन लगा है, और वही हाउस नंबर 13 कल्याण नगर दिल्ली 6 एक एड्रेस है, तो इसके पहले एट लगा है। क्यों? क्योंकि एड्रेस के पहले एट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस में दो प्लेसेस एक साथ मेंशन किए गए रहेंगे, टू प्लेसेस एक साथ रहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे पटना है और फिर यहाँ पे बिहार है, तो उसमें दो प्लेसेस में जो बड़ा होगा उसके साथ लगा देंगे इन, और जो छोटा होगा उसके साथ लगाएंगे एट। देखिए, पटना और बिहार में आप जानते हैं कि बिहार बड़ा है और पटना छोटा है, तो पटना के साथ लगा देंगे हम एट और बिहार के साथ लगा देंगे हम इन। तो क्यों? क्योंकि टू प्लेसेस हो तो बड़े के साथ इन और छोटे के साथ एट। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि छोटा पहले और बड़ा बाद में लिखते हैं, मतलब ऐड का प्रयोग पहले करेंगे और इन का प्रयोग बाद में करेंगे। तो यह रूल नंबर 2 हो गया ऐड और इन के बारे में, प्लेस से संबंधित। अब है टाइम पे आते हैं। टाइम के संदर्भ में जब बात करेंगे ऐड और इन को, तो इसकी हिंदी में पर कुछ भी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। और ऐड का प्रयोग करेंगे जब ओ क्लॉक, एम और पीएम टाइम मेंशन रहेगा। टाइम में ओ क्लॉक, एम और पीएम लिखा रहेगा, उधर ही आपको एट का प्रयोग करना है,
लेकिन अब इन का कब करना है, तो इन का प्रयोग करना है जब आवर लिखा रहेगा, वीक लिखा रहेगा, मंथ लिखा रहेगा, और ऐसे ही लॉन्गर टाइम वाला इंडिकेटर्स रहेगा, तो उसके साथ करेंगे हम इन का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे 8 पीएम लिखा हुआ है, तो 8 पीएम पीएम है तो यहाँ पे एट आएगा, यहाँ पे ओ क्लॉक है तो 9 ओ क्लॉक यहाँ पे एट आएगा, इधर आवर्स है देखिए आवर्स, तो यहाँ पे 2 हो चाहे 3 हो कुछ भी हो यहाँ पे इन ही आएगा, फिर फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का होता है पक्ष, तो वहाँ पे भी इन आएगा। तो इस तरह से और भी ध्यान रखना है कि जो नून वर्ड है और जो नाइट वर्ड है ये अपने साथ शुरू में एट का डिमांड करते हैं, इनके साथ शुरू में एट लगता है, यह आप ध्यान रखेंगे, नून और नाइट दोनों एन एन से है। एट एंड ऑन, अभी दूसरा है, अभी एट और ऑन है, अब यहाँ भी टाइम का मतलब है और मे पर भी इसकी हिंदी होती है। जो फिक्स टाइम होता है उसके पहले एट लगाते हैं, जैसा कि आपने देख लिया है ओ क्लॉक एम पी एम फिक्स टाइम होते हैं, इनके साथ लगाते हैं एट। अब ऑन कब लगाते हैं, तो ऑन लगाते हैं नेम्स ऑफ डेट एंड डे। नेम्स ऑफ डेट का मतलब क्या, डेट होता है देखिए ये 18 फरवरी 21, यह डेट है तो इसके पहले लगाएंगे ऑन, और फिर नेम्स ऑफ डे, तो डे का नाम क्या है मंडे ट्यूजडे वेंसडे, तो यहाँ पे इसके पहले लगाएंगे ऑन। तो ऑन का प्रयोग करेंगे डेट और डे के नाम के पहले, लेकिन जो फिक्स टाइम होता है जहाँ पे एम पी एम ओ क्लॉक लिखा रहता है वहाँ पे आप लगाएंगे एट को, ये एट और ऑन में डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट इज एफ नंबर, बिटवीन एंड अमोंग। बिटवीन एंड अमोंग के बारे में आप पहले से जानते हैं, जब संख्या दो हो तो वहां पे लगाते हैं बिटवीन, अब जब संख्या दो से अधिक हो मोर देन टू हो तो वहां पे लगाते हैं अमोंग, दोनों की हिंदी के बीच। क्या बोला, यहाँ बराबर का चिन्ह मैंने इस तरह वर्टिकली दे दिया है, और बिगर देन का चिन्ह भी मैंने वर्टिकल दे दिया है, ऐसा होता नहीं है, ऐसे समझाने के लिए लिख दिया। तो जब संख्या दो के बराबर हो तो वहां पे बिटवीन, और दो से अधिक तो वहां पे अमोंग लगाते हैं, यही लिखा है। देखिए राम एंड रहीम दो लोग की बात कर रहे हैं तो यहाँ बिटवीन है, और यहाँ चिल्ड्रेन जिनकी संख्या दो से अधिक है तो इसलिए यहाँ पे अमोंग का प्रयोग किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच मिठाई बांटिए, तो यहाँ पे ये अमोंग का प्रयोग किया गया है। लेकिन लेकिन एक और रूल है बिटवीन के यूज के बारे में, जब हमें पता रहेगा कि संख्या निश्चित है तो वहां पर भी हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। जनरली संख्या दो होने पर बिटवीन का तो करते ही करते हैं, लेकिन संख्या निश्चित, जैसे किसी फादर के कितने चाइल्ड हैं ये तो निश्चित होती है कि उनके इतने चाइल्ड हैं, और प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होता है बंटवारा होता है तो जितने चाइल्ड होते हैं जितने चिल्ड्रेन होते हैं उनके बीच में होता है, तो चिल्ड्रेन हो सकता है कि दो हो सकता है कि दो से अधिक हो, तो जब लेकिन इतना निश्चित होता है कि फादर के चिल्ड्रेन की संख्या निश्चित होती है, तो यही लिखा है। अब फादर डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज चिल्ड्रेन, एक पिता अपने संपत्ति का बंटवारा अपने बच्चों के बीच करते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन रहेगा। तो क्या मतलब, जब संख्या फिक्स होगी निर्धारित होगी डेफिनेट होगी तो उसके साथ भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कन्फ्यूज प्रीपोजिशंस में अभी हमने 6 कन्फ्यूजन दूर किया है, नेक्स्ट वीडियो में और 7 कन्फ्यूजन दूर करेंगे और परफेक्ट हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन की जानकारी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।